सारा गलिया रास्ता बंद कर दिया। हाँ यार वो तो है। वैस मैं जा रहा था केदारनाथ के लिए, और केदारनाथ से जस्ट पहले हुआ है लैंडस्लाइड और उसकी वजह से बहुत लंबा ट्रैफिक लग चुका है। तो जो लोग केदारनाथ आ रहे हैं उनके लिए अपडेट है बहुत बड़ी। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत लंबा ट्रैफिक लगा हुआ है। ये कम से कम 1 किलोमीटर का नहीं, मैं ऊपर से देखता हुआ आ रहा था तो ये कम से कम 6 या 7 किलोमीटर का ट्रैफिक है, और मैंने इससे ज़्यादा लंबा ट्रैफिक आज तक मैंने देखा नहीं केदारनाथ में। बहुत ही लंबा था ट्रैफिक है ये। हालांकि लैंडस्लाइड पहले भी बहुत हुआ है, बट आप देखेंगे तो जो 4 व्हीलर्स आ रहे हैं सिर्फ यही दिक्कत है कि मैं कभी 4 व्हीलर से ड्राइव करता नहीं हूँ और 2 व्हीलर पे जाता हूँ कि वो निकालने में आसानी हो जाती है। कितने लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं, और ये 6-7 किलोमीटर का है कम से कम ट्रैफिक, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा यार मतलब बहुत ज़्यादा। अब ये पता नहीं कितनी देर में खुलेगा, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे एक्सीडेंट हुआ, बट एक्सीडेंट नहीं है लैंडस्लाइड हुआ, मैंने पूछा हुआ है पीछे, और इसकी वजह से बहुत लंबा ट्रैफिक है, दोनों साइड से वो ब्लॉक कर दी है। ये बस मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ, जो लोग केदारनाथ आ रहे हैं 4 व्हीलर से या फिर जैसे भी, उनके जस्ट एक अपडेट है। श्रीनगर से जस्ट 10 किलोमीटर पहले और केदारनाथ से ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर पहले ये जो है लैंडस्लाइड हुआ है। और फिर मैं आगे दिखाऊंगा आप लोगों को कि लैंडस्लाइड कितना हुआ है, क्योंकि ट्रैफिक जब इतना लंबा लग चुका है तो आप सोच सकते हैं कि लैंडस्लाइड कितना हुआ होगा। वो तो अच्छी बात है कि यहाँ पे जो लाइन है वो फोरवे है, तो उसमें से ज़्यादा फेस नहीं करना पड़ रहा है। अगर यही लाइन अल्मोड़ा या फिर नैनीताल से होकर जाते तो मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पर लैंडस्लाइड होता, तो ये इतना भी ट्रैफिक खुला होता। पर फिर भी 2 व्हीलर से हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा ऐसे ही हो जाता बाइक को निकालना। मैं अभी दिखाऊँगा आप लोगों को कितना ज़्यादा यहाँ पे आज ट्रैफिक बहुत लग चुका है। आप देखो मैं लगा यार थोड़ी सूर्य निकाल लेता, हालांकि सामान भी काफ़ी है बैक पीछे मेरे के, एक लाइन खुली हुई है कि ऊपर से इधर से भी थोड़ा छोड़ दिया ट्रैफिक, बट फिर भी उतना नहीं छोड़ा। बट आप देखें ना एक साइड से बिल्कुल ही मतलब ब्लॉक कर रखा, मतलब उधर से भी जो है ट्रैफिक रोका हुआ है, इधर से जो है इसके साथ जो है उसको तो कह रहे इसे बड़ी जो 4 व्हीलर वाले बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ रही है। और ये ऑलमोस्ट जो है केदारनाथ बद्रीनाथ की साइड बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड होती है साइड हो जा। और अभी तो बाइक है तो बाइक में बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है निकलना, और इसलिए मैं प्रेफर पहाड़ों पे आप जब भी जाएँ तो आप 2 व्हीलर से जाएँ, ताकि बहुत ज़्यादा इजी हो जाए आप लोगों को इस टाइप के ट्रैफिक से बचने के लिए। क्योंकि यार लैंडस्लाइड तो आपको देखना कॉमन सी बात है, पहाड़ों पर लैंडस्लाइड तो आपको मिलने ही वाली है जब भी आप आओगे। बट इस टाइम लैंडस्लाइड होना वैसे इतना लगता नहीं था, बट पता नहीं कैसा हुआ, देखेंगे यार कितना लैंडस्लाइड है आगे। यार ट्रैफिक इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हो गया है ट्रैफिक वहाँ पर। मैं लगातार आप लोगों को केदारनाथ से जुड़ी वेदर अपडेट, टेम्परेचर सब कुछ मैं अपडेट देता रहूँगा। अब ये थोड़ा ट्रैफिक लगा हुआ तो मैं इसका अपडेट जो है दे रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा लगा हुआ यार, मतलब वो ऑलमोस्ट जो है 3-4 किलोमीटर आ चुका हूँ, बट ये ख़त्म होकर नहीं दे रहा है। तो मैं अपडेट जो है वो कंटिन्यू देता रहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। क्योंकि केदारनाथ के कपाट जो है वो 14 तारीख में बंद हो जाएंगे, और बद्रीनाथ के 27 तक ओपन है, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा कि आप कैसे आए और किन किन चीज़ों का ध्यान रखें। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आज ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लंबा है। निकाल लेता हूँ पहले यहाँ से, अभी इस साइड से तो मैं निकल गया, बट मुझे ऐसा लग रहा है सामने भी इन लोगों ने ब्लॉक कर रखा है, तो यहाँ से कैसे निकलेंगे वो भी देखते हैं। कि वो सामने आप देख रहे हो वहाँ तक इतना लंबा ट्रैफिक है यार, ठीक है भाई ये लाइन में चल रही थी बट ये भी ब्लॉक हो गया, क्योंकि इन लोगों ने अभी ट्रैफिक जो है ब्लॉक कर दिया है। 4-way लाइन है बट अभी ट्रैफिक खुला नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे जो है वो चल रहे हैं, और 4-way लाइन को भी इन लोगों ने ब्लॉक कर दिया। आप देखिए गाड़ी कितना ज़्यादा रिक्स लेके चल रही है यार, तो शेयरिंग कैब वगैरह जो इतना ज़्यादा रिक्स ले रही है यार। अपनी तो बाइक है, बाइक देखो ईजी निकल जाती है, 2 व्हीलर बहुत ज़्यादा ईजी होता है, लेकिन 4 व्हीलर वालों को यार बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है गाड़ी को। और अगर आप घर में टूर के लिए निकले तो आप बहुत ज़्यादा चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं।
होटल इशू खाने का, मतलब बहुत सारी चीज़ें यार। तो हमें देख के आई जैसा भी है, तो पिलर ज़्यादा हमें कंफर्म करना पिलर पे आए कि लैंड स्लाइड और कुछ नहीं पता कब हो जाता है यार इस रोड पर। तो देखेंगे कितना हुआ है, इसी वजह से इतना ब्लॉक करा हुआ है रोड, ट्रैफिक जो है वो लगातार बढ़ता ही जाता है। इधर से एक बंदा नहीं आ रहा क्योंकि उधर का ट्रैफिक जो है वो भी बंदा सिर्फ इधर से ही चल रहे हैं, कोई लाइन में यहाँ पे जाम लगा दिया। तो बाइक में सामने आती है बट निकलना तो पड़ेगा देख के यहाँ से। साइड से निकल जाता हूँ मैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं लैंड स्लाइड होता हुआ है, तो वहाँ मतलब 6-7 किलोमीटर हो गया ऑलमोस्ट, और यहाँ आके अब यहाँ पे लैंड स्लाइड हुआ बिल्कुल सामने। तो आगे आप लोगों को दिखाता हूँ, अब पूरा का पूरा ना पहाड़ नीचे आया हुआ है, बोले मैं निकाल लेता हूँ पहले फिर आप लोगों को सही से दिखाता हूँ। यहाँ पे भाई जो लोग भी आ रहे हैं केदारनाथ बद्रीनाथ देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा लैंडस्लाइड हुआ है यार, पूरी रोड ख़त्म कर दी यहाँ पे, लगातार जो है इसको उठाया जा रहा है। बहुत सारे गलियाँ रास्ता बंद कर दिया, बहुत ज़्यादा निकलते यार। अब देखो मतलब फोर व्हीलर यहाँ से कैसे निकल सकते हो, पीछे जितने भी 6-7 किलोमीटर की लाइन हो आपको कितना ज़्यादा फेस करना पड़ेगा इशू, आप वो भी देख सकते हो। मैं तो इसलिए निकल गया, बाकी जो लोग आ रहे हैं वो इस चीज़ का ध्यान रखें। और जो देखिए इस साइड से कितना यहाँ पे ट्रैफिक पूरा रोका हुआ है, तो उधर ट्रैफिक जा नहीं रहा है बट अब लोग तो इसी निकल गए हैं, लेकिन भीड़ काफ़ी है, ट्रैफिक काफ़ी है। ये श्रीनगर से 10 किलोमीटर पहले लगा हुआ है, ये लैंड स्लाइड हुआ है, और केदारनाथ से 70 किलोमीटर पहले। तो श्रीनगर हमारा स्टे होगा आज, बाकी श्रीनगर पहुँच रहे हैं, उसके बाद देखते हैं कि पहले वहाँ से निकल जाते हैं, मतलब धूल वगैरह भी काफ़ी हो गए लैंड स्लाइड से। चलिए जो चैनल बनाए हैं चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपडेट्स में कंटिन्यू डालता रहूँगा जो जो भी होंगे। Oh.